पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों और बयानों की वजह से दुनिया भर में बेइज्जत होता है। ताजा मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA का है, जहां भारतीय राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने पाकिस्तान को सच का आईना दिखाया है और पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ के कश्मीर मामलों पर दिए अपने बयानों की आलोचना भी की है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए उसकी असलियत दुनिया को दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए वैश्विक रूप से बदनाम है और वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं में उसका हाथ रहा है और पड़ोसी देश को ये पता होना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के परिणाम अनिवार्य रूप से भुगतने पड़ेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA में कश्मीर पर दिए गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि ये अपने सबसे खराब रूप में पाखंड हैं। भाविका मंगलानंदन ने कहा कि सेना द्वारा संचालित एक देश जो आतंकवाद, नशीले पदार्थों, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए वैश्विक प्रतिष्ठा रखता है, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया है। इस सभा में आज सुबह खेदजनक रूप से एक हास्यास्पद घटना देखी गई है। जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान ने लंबे समय से अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि इसने हमारी संसद, हमारी वित्तीय राजधानी मुंबई, बाजार और तीर्थ स्थलों पर हमला किया है। सूची काफी लंबी है। ऐसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बोलना अपने चरम पर पाखंड है। मंगलानंदन ने कहा कि धांधली वाले चुनावों के इतिहास वाले देश में राजनीतिक विकल्पों के बारे में बात करना और भी असाधारण है, वो भी लोकतंत्र में। मंगलानंदन ने पाकिस्तानी PM के झूठे बयानों की पोल खोल कर रख दी और मंगलानंदन के इन जवाबों की दुनिया भर में अब चर्चा हो रही है और भारतीय उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। बता दें कि मंगलानंदन ने कहा कि असली सच्चाई ये है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र का लालच करता है और वास्तव में उसने भारत के अविभाज्य और अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल किया है, राजनीतिक संयम के कुछ प्रस्तावों का संदर्भ दिया है और आतंकवाद से कोई समझौता नहीं हो सकता है। बता दें कि न्यूयॉर्क में जारी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों की तरह ही जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अपनी आजादी और अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने भारत पर UNSC के प्रस्तावों को लागू करने के वादे से मुकरने का आरोप लगाया है। बता दें कि शहबाज ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत को इस फैसले को वापस लेना चाहिए और मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।